अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आज आपको सिखा रही हूँ योगर्ट चिकन, दही का चिकन ना। इसमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है मैं आपको बताती हूँ। इसमें हमें 1200 ग्राम हमने चिकन लिया है, 1200 ग्राम चिकन है, ऑयल है, 4 मेरे बड़े लार्ज साइज़ 4 टमाटोज़ हैं और इसमें कोरिएंडर है, फ्रेश कोरिएंडर है, थोड़ा सा ले लें, ये हमें बाद में पकने के बाद डालना है। 1 टेबल स्पून गार्लिक है, 1 टेबल स्पून जिंजर है और 1 कप जो बेकिंग कप होता है वो वाला कप, बेकिंग कप जो है 1 कप योगर्ट है। अगर बेकिंग कप नहीं है तो आप ये वाले इस टाइप के जो बॉल होते हैं वो एक भर के ले लें। और गार्निश के लिए जी मेरे पास ग्रीन चिल्ली है जिसको मैंने इस तरीके से काट लिया है, आपकी मर्ज़ी, आप सालन में डाल दें, मैंने ऊपर गार्निश के लिए रखनी है। और ये इसमें जिंजर है, ये भी मैंने गार्निश में डालनी है और थोड़ी सी उसमें ऐड कर दूँगी। मसाले स्पाइसेस में आ जाते हैं हम अपने मसालों में। सॉल्ट है, मैंने 1 टीस्पून लिया है सॉल्ट, आप अपनी मर्ज़ी से डालिएगा, कितना नमक चाहिए उतना डालिएगा। और इसमें टर्मेरिक पाउडर है, टर्मेरिक मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। क्यूमन सीड्स हैं, ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। मेरा होममेड गरम मसाला की वीडियो चेक कर लीजिएगा, ये होममेड गरम मसाला है 1/2 टीस्पून हमने इसमें चिल्ली पाउडर लिया है और इसमें 1 टीस्पून मैंने कोरिएंडर पाउडर लिया है। ये लेनी है सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब मैं आपको बनाना शुरू करती हूँ, बताती हूँ। ये मैं इसमें 3 सर्विंग स्पून ऑयल डाल रही हूँ, 1, 2, 3 भर के ले लिया मैंने। ऑयल आप अपनी मर्जी से भी डाल सकते हैं, ऑयल की भी इसमें कोई ऐसी वो नहीं है। अब हमने अपना चिकन जो है हमारा उसमें ऐड कर देते हैं। इस चिकन को हमने कलर इसका ना ऐसे गोल्डन कलर करना है, जब तक आप इसको फ्राई कीजिएगा, जब तक इसका कलर गोल्डन ना हो जाए ऐसे हमें जब तक फ्राई करना है। गोल्डन कलर करके 5 मिनट लगेंगे आपसे, 5 मिनट तक फ्राई करेंगे आपका इसका कलर चिकन का गोल्डन कलर हो जाए। अब इसका कलर देखें आप चेंज हो गया ना, मैं अभी तो मैंने हाई फ्लेम पे था ना, अब मैंने इसकी आँच हल्की कर दी है, स्लो कर दी है ना इसकी आँच। अब मैं चिकन को निकालती हूँ। फ्राई करने के बाद जब गोल्डन कलर का हो जाए आपका चिकन, आप इसमें जो चिकन सारा निकाल लें बॉल में। ये इसमें मैंने जिंजर पेस्ट डाल दी 1 टेबल स्पून और गार्लिक 1 टेबल स्पून डाल के इसको फ्राई करें। चिकन हमने अपना सारा इसमें से निकाल लिया ऑयल में से, फ्राई करके गोल्डन कलर करना है फ्राई चिकन का ना, गोल्डन फ्राई करना है चिकन और फिर इसको जिंजर गार्लिक को फ्राई करते हैं। 5 मिनट इसको करते हैं ज़रा सा, 3-4 मिनट इसको फ्राई करने के बाद बाकी अपने स्पाइसेस इसमें डालते हैं। ये देखिए हमारा गार्लिक और जो जिंजर है वो ब्राउन कलर का हो गया, मतलब लाइट ब्राउन करना है इसको। करने के बाद इसमें हमारे सारे स्पाइसेस चले जाएंगे, ज़ीरा चला गया, क्यूमन सीड चली गई, गरम मसाला चला गया, चिली पाउडर चला गया, टर्मरिक पाउडर 1/2 टीस्पून, सॉल्ट अपनी मर्जी से डालें 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून। फ्राई करें 2 मिनट। टमाटोज डाल दें आप इसमें अपने, ये
ग्रेवी का, आपको ज़्यादा ग्रेवी रखनी है तो टमाटो ज़्यादा कर दें, दही भी ज़रा सा ज़्यादा कर दें अगर ग्रेवी ज़्यादा रखनी है। ग्रेवी कम रखनी है मीडियम, तो आपको लार्ज साइज टमाटो इसमें डालने हैं हमने। और हमारा योगर्ट चला गया, योगर्ट डालने के बाद इसमें हम चॉपर है मेरे पास, ये चॉपर से इसको मोटा मोटा चॉप करेंगे, मतलब इसकी पेस्ट नहीं हमने बनानी है, बस ये जो टमाटर है इनको हमने डाउन कर दबाना है। इतना मोटा रखना है कि कहीं टमाटो आपके चंक्स इसके नजर आएंगे टमाटो के, और कुछ वो दब जाएंगे उसके अंदर ना। अब जो मेरा चिकन है फ्राई हुआ हुआ, वो चिकन हम इसमें ऐड कर देते हैं। और इसको हम अब 15 मिनट के लिए, 15-20 मिनट के लिए देखें, जब तक आपका 80% चिकन मतलब इसमें गल जाना चाहिए, 80-90%, फिर मैं आपको दिखाती हूँ वो 15-20 मिनट जितने देर आपके चिकन को लगेगा गलने में उतना वेट करें। तो अभी हम इसको रख देते हैं, 15 मिनट बाद मैं आपको चेक कराती हूँ भाई कैसे उसमें हुआ है। कवर करके, इसको कवर करके रख देते हैं 15 मिनट के लिए मीडियम लो पे, ज़्यादा हाई पे भी ना हो ना स्लो पे हो, मीडियम आंच पे इसको रख देते हैं 15 मिनट्स। जी देखिए हमारा चिकन जो है ना गल गया है, वो ग्रेवी मुझे इसकी इतनी ही रखनी है, ग्रेवी की हमने ऐसा ग्रेवी हो मतलब इतनी थिक हो ना ग्रेवी, ना ज़्यादा पतला हो ना बोल बिल्कुल भुना हुआ हो साला ना। तो ये रेडी हो गया है, अब मैं इसका अगर जब फ्लेम ऑफ करूँगी तो इसके ऊपर ऑयल आ जाएगा, अभी क्योंकि ये गर्म है तो इसके ऊपर ऑयल नहीं आ रहा, जब हम चूल्हा बंद कर देंगे तो ये इसके ऊपर ऑयल आ जाएगा। और इसको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको, ये मतलब अब डन हो गया है ना, डिश आउट करते हैं, गार्निश करके दिखाती हूँ मैं आपको इसको। जी देखें अब इसके ऊपर ऑयल आ गया है, सालन के ऊपर हमारा ग्रेवी के ऊपर ऑयल ऊपर आ गया है, तो अब हम इसको निकालते हैं, डिश आउट करते हैं। जरा सा अदरक डालें ऊपर कटा हुआ, हरा धनिया डाल दें, हरी मिर्चें डाल दें, ज़रूर बनाइएगा, बना के मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी ना रेसिपी। ये रेडी है जी दही वाला चिकन, और जो भी इसमें आपको प्रॉब्लम हो रही हो वो मुझे ज़रूर बताएं कि आपको इसमें क्या चीज़ समझ आई है, क्या चीज़ समझ नहीं आई है, और दुआओं में जी याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।